नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित खास सेगमेंट मिशन एस दी इंडेक्स। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स से रहे सुमित सैनी साहब, जो फिलहाल हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस पर बढ़िया परफॉर्मेंस रही आपकी, इंडेक्स को आपने करीब 20% से आउट परफॉर्म भी करा, तो बताएं कैसे बनाई कल के थोड़े उतार चढ़ाव कमजोर बाजार में इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी? धन्यवाद दीपांशु जी, आपसे तीसरी बार बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर भगवान ने चाहा तो एज ए मंथली विनर भी आपसे लाइव स्टूडियो में, बॉम्बे स्टूडियो में कभी ना कभी हमारी मुलाकात। बिल्कुल सर, आप ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहिए और आपसे आगे भी बात चलती रहेगी। अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि आप लगातार इंडेक्स एसर लिस्ट में इस समय सबसे आगे निकल रहे हैं। हाँ जी, मैं बस हमारी यही कोशिश है सर कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहें। अब आते हैं कल की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो दीपांशु जी, जैसे कि आपको पता है कि कल एक्सपायरी वाला दिन था, तो ये सबसे डिफिकल्ट दिन भी होता है और इसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहते हैं। तो कल हमने एक्चुअली 7 स्ट्राइक्स में काम किया और 700 स्ट्राइक्स में हम प्लस बंद हुए। तो कल जैसे ही निफ्टी अपने 10-डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,785 के पास आई थी, कल का निफ्टी का लो 18,760 था, और बैंक निफ्टी ने भी जो वेडनेसडे का लो था 43,700 उसकी इज्जत की, और कल का लो उसने मारा 43,663। तो जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर जाने लगे, तो बैंक निफ्टी की जो सिंपल 50-डे की मूविंग एवरेज थी वो हमने एज ए सपोर्ट को मानना उसको, जो 43,500 पे थी। और जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी 43,600 से, तो हमने वहां पे 44,000 की कॉल ली, और जब तक वो 43,800-9,000 तक पहुंच गई, तो उसके बाद हमने वो 44,000 की कॉल को अपनी पोजीशन को खत्म कर दिया 21,000 रुपए लेके। उसी तरीके से जब निफ्टी अपना 18,785 से ऊपर सस्टेन हो गई, तो हमें ये पता था कि इस पूरे हफ्ते के अंदर, लास्ट के डेढ़ दो घंटे के अंदर आपका अप मूव मिलता है। तो इसलिए जैसे ही वो ऊपर आई, तो हमने 18,900 की कॉल और 850 की कॉल में पोजीशन लेके वहां पे भी एक अच्छा मुनाफा कमाया। तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है, एक्सपायरी के दिन आपने अच्छे ट्रेड्स लिए और फिर मुनाफा भी बढ़िया कमाया, इसलिए इंडेक्स को भी 20% से आउट परफॉर्म किया। आज के लिए भी कुछ कर रहे हैं सर, अब तो मंथली एक्सपायरी की तरफ नजर है। हाँ जी, आज मैंने क्या किया कि आज सुबह जैसे ही निफ्टी ने अपनी 10-डे की सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ा, जो कि 18,735 के ऊपर थी, और एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी तोड़ दिया, जो कि 18,743 के ऊपर थी, जैसे उसने तोड़ा तो मैंने उसी समय 18,550 की पुट को लिया और उसके अंदर काम किया। उसी तरीके से मेरे को ये भी था कि जो बैंक निफ्टी है वो 10-डे, 5-डे, 20-डे सब मूविंग एवरेज से नीचे चल रही थी, तो वो अपनी 50-डे मूविंग एवरेज जो कि 43,450 के आसपास है उसको टच करने जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 43,300 की पुट में काम किया। और जब निफ्टी ने आज का लो जो 20-डे सिंपल मूविंग एवरेज है 18,660 और जो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 18,638, उन दोनों के बीच में 18,647 पे लो मार के ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो मैंने 18,800 की कॉल में काम किया। तो बढ़िया है, अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर बाजार में यहाँ पर रिबाउंड होगा या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन ही दिख रहा है? अभी जहाँ पे निफ्टी है, अभी 18,740 पे है निफ्टी, तो ये जो अब जो ये 10-डे की सिंपल मूविंग एवरेज 735 पे और एक्सपोनेंशियल 743 पे है, तो ये इसके बीच में है। तो अभी जो इसने लो बनाया था वो दोनों के 20-डे की मूविंग एवरेज के बीच का बनाया था, और अभी जो ये एग्जैक्ट है ये 10-डे की सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही है। और जो डाउ फ्यूचर है वो भी थोड़ा सा वीक है, आज फ्राइडे फैक्टर भी है, और तो इस चक्कर में ये हो सकता है कि यहाँ पे हल्की सी दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो मैं अभी वेट करूंगा कि आज की क्लोजिंग के आसपास अगर ये 20-डे मूविंग एवरेज की इज्जत करती है, तो मैं वहां पे दोबारा पोजीशन बनाने की सोचूंगा। अभी एट प्रेजेंट में कोई पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है जो वो फेवरेबल नहीं। तो चलिए, रिस्क रिवार्ड अभी फेवरेबल नहीं है, क्लोजिंग के लेवल्स देखते हैं और फिर देखते हैं पिछले हफ्ते में, आगे आने वाले हफ्ते में ऑफकोर्स एक दिन छुट्टी भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब जुड़ने के लिए, बधाई एक बार फिर से, आप जो इंडेक्स एसर बने हैं। तो ये था हमारा खास सेगमेंट सैमको का मिशन एस दी इंडेक्स।